व्रत भी करे हुए इसके। तू पैसे लगा के भूली है क्या? ब्याज पे पैसे कमाए मैंने सामने, इसको दिए थे कभी? थोड़े ही थे, ज्यादा नहीं थे। ब्याज पे नहीं दिए, पैसे दिए यार। शेर वाली को मान रही है? शेर वाली को शेर वाली आई है बाबू सामने, दुर्गा भगवान की। इसको बिना दिए नहीं चलती है। अच्छा, उसकी कोई बोल भूल के भूली हुई है क्या? याद इतनी परेशानी आती है, कहाँ क्या बोल रहा है कुछ याद नहीं। जागरण किस चीज का बोला था बुढ़िया? हाँ, मैंने जागरण करवाया है, मकान के लिए बोला था, मकान माने बनवा दिया तो जागरण। और एक बार और जागरण मैंने बोला हुआ है इनके नाम का, ये बिल्कुल ठीक हो जाए, कुछ काम करें। क्या हो गया इनको? हाँ, 8 साल से बिल्कुल स्तर में पड़े हैं, जब भी थोड़ा ठीक होते हैं नुकसान कर लेते हैं, और कई लाखों का काम कर जाते हैं। इधर करते काम है इनका, काम खेते का वो खराब नहीं दिए तुमने? या छोटी सी तुमने 10 रुपये वाली चढ़ा दी है? नहीं माँ, अभी मैं गई थी पिछले महीने, गड़ी तो नहीं चढ़ा चुकाई। हाँ भगवान जी ये कह रही, मुझे कोई खराब नहीं तो दी नहीं, ना कभी दुर्गे को दी, जगराते में दिया होगा, कोई दिया होगा तुमने? जगराते में वो तो पूरा ही होता है बेटा, जगराते में तो कीर्तन में भी जब भी करो। मेरी माई का 16 सिंगार बुलवाओ दुर्गे का। और वैसे झंडे वाले में होना देकर आई ये मैं बेटा करती हूँ, ठीक होता है कद्दू का धंधा वगैरह सब चल रहा है, प्राई कुछ नहीं बस काम रुके हुए हैं बेटा, उसके लिए बता दी। जो मेरा काम रुक जाते हैं ना चौंक चुराई वाली बनाने बैठती है, वो बता दी बीमार क्यों करते हैं? अब ये चौंक चुराई वाली करती है, ये उठने ही नहीं देगी, चलने ही नहीं देगी, दवाइयाँ नहीं लगती माँ, चलने ही नहीं देगी सही। ये जब काम बंद करती है तो ये बहुत सही आ जाती है माँ। हाँ एक बात हो रहा है माँ, मेरा माँ आती थी लगभग 10 साल पहले की बात है, तो मैं आती थी, खेलती थी और बताती भी थी, मुझे पता भी लगता आगे पीछे क्या होना है। फिर एक दिन मुझे उस टाइम तो कुछ भी इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, ना मुझे कुछ समझ देने वाला कोई था। तो गले की मेरी औरतें आई थी, एक वो कह के गई थी कि हाँ माँ बालिका आती हैं तो उनके घर में और भी चीज़ें आती हैं, तो मैं मुझे थोड़ा सा डर सा लग गया था इस बार। फिर मैंने हाँ मैं दूसरे दरबार से मजदूरी हुई थी वहाँ पर गई थी, तो माँ ने मैंने मना कर दिया। उसके बाद में फिर वहाँ आती हूँ पर वो चीज़ नहीं दिखती, शरीर तोड़ती होगी बस, शरीर तोड़ती हूँ हमेशा लगता है ऐसा लगता है शरीर तोड़ता है। पहली बार अगर शमशान वाली काली आती है वो साथ में चीज़ लेकर आती है, दिल्ली वाली कालका से और फिर शक्तियों को साथ लेकर के आती है, देवताओं को साथ लेकर के आती है, किसी बुरी चीज़ को नहीं लाती। हाँ इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, मुझे कोई ये बातें बताने वाला भी नहीं था। या तो इसे बंद कर दो या उसे बंद कर दो। देवताओं को लेकर ही दिल्ली पहुंचे थे, गुना भूत प्रेतों का कोई काम नहीं था, बल्कि भूत प्रेतों का तो वध किया था उन्होंने, रक्त बीज को मारा गया उन्होंने, है ना। हाँ अगर कुछ शमशान वाली के रूप से आती, हाँ वो कुछ ना कुछ साथ लेके आती, लेकिन उन चीजों को तेरा नुकसान नहीं करने देती, वो अपनी सेवा में साथ लाती है और समय आने पर कुछ भी काट देती है, अपने सेवादार रखती है वो। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं, अब चाहिए दोबारा चाहिए, दोबारा चाहिए। काली चनक चढ़ा दियो तू, ये वाली तो पहले ही चढ़ा दियो, मैं तो बाद में इसे चढ़ाई थी, मेरे को थोड़ा बजट ठीक नहीं है घर का। काली चनक तो पहले दे दे माँ की, कालका जी मंदिर जाकर दे दो, वहाँ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं जा पाए तो कोई नहीं यहाँ चढ़ाओ, है ना, नहीं जा पाए तो ये तो वहाँ जरूर है। और से ये चुप रहेगा, ये काम कर बेटा आ जाओ, और वो माँ की कृपा बनी रहे, बेटा ठीक हो जाएगा। चलो बाबू आओ, बेटा भी हाँ बेटे का तो मैंने इसलिए पूछा था कि मुझे गड़बड़ दिख रही है, उनकी संगत में ना पड़ जाए, रोक के रखो, जा भी रहे उसी तरफ उल्टे जवाब भी देना शुरू कर दिया आजकल, इसलिए माँ ने पकड़ा है इसको कि इतना बेटा है, क्योंकि माँ ने देख ली तेरी आँख करते हैं इसको, और उसकी एक बार आँख टेढ़ी हो जाए तो अच्छे अच्छे से बच जाते हैं, ठीक है चल करो।
आज डिस्पेंसरी खोलनी खोली पूरी बोल को देखिए यहाँ तो आ जा।